को त्वरित तरीके से जो सदस्यता है वो आजम खां की रद्द कर दी गई थी। लेकिन अगर बात विक्रम सैनी की जाए तो उनमें एक महीने का वक्त क्यों एमपी एमएलए की तरफ से लिया गया, सचिवालय का जो प्रति है, जो नोटिस है वो भेजने में, इसको लेकर देखिए संदीप अब राजनीति बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल त्रिशला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कह सकते हैं कि जो विधानसभा में सदस्यता को रिक्त करने की बात चल रही है वो चाहे आजम खां को लेकर हो या फिर अगर बात करी जाए विक्रम सैनी को लेकर हो, इस पर एक बड़ी राजनीति छिड़ चुकी है। इसको लेकर जहां जब जयंत चौधरी ने पत्र लिखा, हालांकि आज जो केशव प्रसाद मौर्य ने यानी डिप्टी सीएम ने एक बड़ा ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने एक बार फिर से जो मुजफ्फरनगर की बात है उसको लोगों के सामने जहन में ताजा कर दिया है कि मुजफ्फरपुर के दंगों की बात आखिर कौन करेगा और उसमें कौन कौन शामिल है। यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है कि जब समाजवादी पार्टी को अपने आजम खां की विधायकी यानी जो उनकी सदस्यता रद्द होने का इतना दुख हो रहा है तो उन्हें जनता को ये भी बताना चाहिए कि मुजफ्फरपुर जो कांड का एक कह सकते हैं कि मामला था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उस पर वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए राजनीति पकड़ चुका है पूरा ये मामला। और देखिए अगर सदस्यता जो रद्द करने की बात है उसमें जिस तरीके से अभी कहा गया है कि उनको कोई भी इस तरीके का आदेश नहीं मिला है, लेकिन अगर हम इसकी देखिए स्थिति जान लेते हैं तो जैसे ही सजा सुनाई जाती है वो स्वतः ही सदस्यता जो होती है वो अपने आप रद्द हो जाती है। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी खुद कहा है कि मेरे पास किसी की सदस्यता को खत्म करने का अधिकार नहीं है, ये सचिवालय की ओर से इसका एक आदेश निर्गत किया जाता है। लेकिन देखिए राजनीति है, तमाम तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं, जब मुद्दे उठाए जाएंगे तभी राजनीति होगी। और कहीं ना कहीं से देखिए जयंत चौधरी ने जो पत्र लिखा है उसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि जब आजम खां को लेकर अगर इतनी जल्दी आपने कार्रवाई कर दी है तो विक्रम सैनी को लेकर भी इस तरीके का एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। आखिर उनके मामले में नियमों की कह सकते हैं कि वो दुहाई क्यों दी जा रही है कि जो नियम है उसके तहत होगा। तो देखिए तमाम मुद्दों पर राजनीति हो रही है, वो चाहे आजम खां को लेकर हो, वो चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि हमारी सरकार जो है वो बेहतर तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, कोर्ट ने आदेश दिया है जो उनकी सदस्यता है उसको रद्द करने का काम सचिवालय करेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना यह है कि जैसे समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति करती है वैसे ही अब यानी जयंत चौधरी को कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे में जो उन्होंने ये खत लिखा है ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से राजनीति से ग्रस्त है और इसको लेकर कोई भी जो बातें हैं वो सामने निकल कर नहीं आई है। त्रिशला बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। दो दिवसीय दौरे पर आज